ट्वेल्थ गांधी युग खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 60। खिलाफत आंदोलन पर एक निबंध लिखिए अथवा खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, खिलाफत आंदोलन का वर्णन कीजिए। उत्तर, खिलाफत कॉन्फ्रेंस का निर्माण। 1918 ईस्वी में लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष पद पे फजलुल्लाह ने घोषणा की थी कि इस घटना में भारत में इस्लाम का भविष्य अंधकारपूर्ण ज्ञात होता है। 1919 ईस्वी में अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए खिलाफत कॉन्फ्रेंस का निर्माण किया गया, जिसके नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली दो भाई थे। ये दोनों पत्रकार थे और दिल्ली में कामरेड तथा हमदर्द दो पत्रिका का संपादन करते थे। सरकार ने युद्ध काल में इनको इनके गांव में नजरबंद रखा था। युद्ध समाप्त होते ही इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया और आंदोलन के लिए उघात हो गए। इस संस्था का गठन 1919 ईस्वी के लीग के अधिनियम में किया गया था। 1920 ईस्वी में लीग का अधिनियम दिल्ली में किया गया। इसमें महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय उपस्थित थे। गांधी ने सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। गांधी को सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का पूरा समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में सेब्रेस की संधि से तुर्की साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। उसका अधिकांश भाग इंग्लैंड और फ्रांस ने ले लिया और उन्होंने सुल्तान का खलीफा पद समाप्त कर दिया। भारतीय मुसलमानों की दृष्टि में यह एक बड़ा विश्वासघात था। इसी से खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को मुस्लिम जनता के लिए जन्म मरण का प्रश्न बतलाया और इसके लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान किया। गांधी का विचार था कि भारत में किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए यह एकता आवश्यक थी। 30 जून 1920 ईस्वी को हिंदू मुसलमानों का इलाहाबाद में संयुक्त सम्मेलन हुआ, जिसमें खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का निर्माण किया गया। खिलाफत आंदोलन एक सांप्रदायिक आंदोलन था। इससे भारत का लाभ होने की अपेक्षा हानि होने की अधिक संभावना थी, क्योंकि इस सांप्रदायिक आंदोलन का प्रभाव हिंदुओं पर भी पड़ता और उनमें राष्ट्रीयता के स्थान पर सांप्रदायिकता की वृद्धि हो सकती थी। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझा। खिलाफत आंदोलन की तीन मांगे थी। पहला, तुर्की सुल्तान का खलीफा पद यथायथ रखा जाए। दूसरा, जजीरतुल अरब जो इस्लाम का धार्मिक केंद्र था, मुस्लिम शासन के अंतर्गत रखा जाए। तीसरा, खलीफा मुस्लिम तीर्थ स्थानों की रक्षा करें। इस आंदोलन के तीन चरण थे। पहला, दिसंबर 1919 तक इसमें मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने घोषणा की
कि मुसलमान रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में सम्मिलित होंगे और दोनों आंदोलन एक कर दिए जाएंगे। एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भी भेजा गया। सारे देश में 17 अक्टूबर का खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर को दिल्ली में खिलाफत की सभा में गांधी जी ने पहली बार असहयोग शब्द का प्रयोग किया। दूसरा, दिसंबर 1919 ईस्वी में मई 1919 ईस्वी तक दिसंबर 1919 ईस्वी से मई 1920 ईस्वी तक इसमें आंदोलन का रूप व्यापक हुआ। प्रदर्शन और सभाएं की गई। मुसलमानों ने अरब प्रदेश से अंग्रेजी सेना हटाने की मांग की, लेकिन मुस्लिम नेता खिलाफत आंदोलन के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर सके। अंत में 7 मार्च 1920 को गांधी जी ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें अहिंसात्मक तरीके से 19 मार्च को खिलाफत दिवस मनाया गया और इसके बाद ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना था। तीसरा, खिलाफत आंदोलन का तीसरा चरण मई 1920 से अगस्त 1920 तक था। इस काल में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक भाग बन गया। जब तुर्की में 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद समाप्त कर दिया, तब खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन। गांधी पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने खिलाफत जैसे सांप्रदायिक आंदोलन से सहयोग करके सांप्रदायिकता को मजबूत किया और असहयोग आंदोलन को दुर्बल बनाया। इस संबंध में गांधी जी के दृष्टिकोण को भी समझना आवश्यक है। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए खिलाफत का समर्थन करके वे मुसलमानों का विश्वास प्राप्त कर सकते थे। खिलाफत का समर्थन करके वह मुसलमानों को असहयोग आंदोलन की ओर आकर्षक करना चाहते थे। इसलिए संकट के समय उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया और मुसलमानों को अनुभव कराया कि हिंदू उनके साथ हैं। इसलिए वह प्रारंभ से ही खिलाफत आंदोलन के साथ रहे। 24 नवंबर 1919 को उनके सभापतित्व में ही अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। उन्होंने आह्वान किया कि 23 करोड़ हिंदू अपने 7 करोड़ मुस्लिमों की सहायता के लिए आगे आए। 19 जनवरी 1920 को एक मुस्लिम शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिला था। ये गांधी जी की सहमति से हुआ था। यह कार्य निष्फल रहा। गांधी जी की सहमति से ही एक मुस्लिम शिष्टमंडल मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में इंग्लैंड गया था। स्पष्ट मंडल निराश होकर भारत लौट आया। हिंदू मुस्लिम एकता के अलावा एक कारण और भी था। गांधी समझते थे कि मुसलमानों का पक्ष न्याय संगत था। इसके बारे में उन्होंने कहा था, यह ठीक मेरी नैतिक जिम्मेदारी की भावना है जिसने मुझे खिलाफत के प्रश्न को हाथ में लेने तक तथा मुसलमानों के सुख दुख में उनका साथ देने के लिए प्रेरित किया था। ये बिल्कुल सही है कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता में सहायता दे रहा हूँ और उसे प्रोत्साहित कर रहा हूँ। खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह था कि तुर्की राज में बड़ी संख्या अरबों की थी जो मुसलमान थे। तुर्क दासता से मुक्त होना चाहते थे। खिलाफत की रक्षा का अर्थ था कि इन अरब देशों को तुर्की की गुलामी में रखना।
सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह थी कि खिलाफा की मध्यकालीन अवधारणा को तुर्क या अरब कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अतः भारत में मुसलमानों में यह आंदोलन मध्यकालीन संकीर्णता पर आधारित था, जिसका मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों में उपहास किया गया। प्रश्न क्रमांक 61, असहयोग आंदोलन के कारणों तथा परिणामों का वर्णन कीजिए। उत्तर, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक स्थिति। असहयोग आंदोलन के पीछे आर्थिक स्थिति भी प्रमुख कारण थी। बेकारी, महंगाई, गिरता हुआ कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन, ये सब युद्ध के बाद की आर्थिक दुर्व्यवस्थाएं थी, जिनसे जन असंतोष बढ़ रहा था। युद्ध काल में भारत ने जिन सेनाओं को भेजा था, उनका वे भारत ने ही वहन किया था, जो 2.5 अरब पौंड से अधिक था। इससे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। वस्तुओं का अभाव था और कीमतों बेतहाशा बढ़ रही थी। खदानों के मूल्यों में 93% की वृद्धि हो गई। सेनाओं के विघटित किए जाने से लाखों लोग बेकार हो गए। कारखाने बंद हो गए। स्थान स्थान पर हड़तालें हो रही थी। वर्षा न होने से कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय थी। ऐसी स्थिति में सरकार की दमन और स्वार्थ नीतियों से भारतीयों में व्यापक रोष फैल रहा था। दूसरा, 1919 ईस्वी के सुधार अधिनियम से निराशा। इस अधिनियम से भी भारतीयों में निराशा फैली। युद्ध काल में मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि ये प्रजातंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। इससे भारतीयों में भी आशा का संचार हुआ था कि उन्हें अभी सुशासन प्राप्त होगा। 1919 ईस्वी में सुधारों में ऐसी कोई बात नहीं थी। निर्वाचन प्रणाली अत्यंत सीमित थी। केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारें व्यवहारिक रूप से निरकुंज थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में वृद्धि करके भारतीयों में पृथकता और फूट डालने के प्रयास जारी थे। इस अधिनियम के कारण कांग्रेस ने फिर फूट हो गई और उदारवादी कांग्रेस से पृथक हो गए। तीसरा, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति। रूस की समयवादी क्रांति का भी भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस क्रांति से स्पष्ट हो गया था कि जनता संगठित होकर निरंकुश सत्ता से संघर्ष कर सकती थी। इस क्रांति ने विश्व की अन्य दलित जातियों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी थी। स्वाभाविक था कि भारतीयों में भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। सुभाष चंद्र बोस ने इस तथ्य पर बल दिया है कि इस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। चौथा, रोलेट एक्ट। सरकार ने युद्ध के पश्चात रोलेट कानून बनाकर अपने दमनकारी उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया। इससे भारतीयों के जनतंत्रीय अधिकारों को कुचल दिया गया। जबकि सरकार ने युद्ध के दौरान जनतंत्रीय अधिकारों के विस्तार का आश्वासन दिया था। इन कानून को सरकार ने अचानक पारित किया था, जिसे भारतीयों
ने अपना अपमान समझा। वे सुधारों की आशा कर रहे थे, लेकिन उन्हें दमनात्मक कानून मिले। पांचवा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड से सारा देश स्तब्ध रह गया था। चर्चिल जैसा रूढ़िवादी अंग्रेजों ने भी इसे पेशाचिक कांड कहा था। सरकार का दमन अमृतसर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लगभग पूरे पंजाब में हुआ। देश इस हत्याकांड का प्रतिकार लेना चाहती थी और इसके लिए केवल आंदोलन का ही मार्ग ही था। छठा, हंटर कमेटी रिपोर्ट से निराशा। सारे देश में पंजाब के अत्याचारों की जांच की मांग हो रही थी, लेकिन सरकार अपराधों को सजा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने इंडेमनिटी एक्ट पारित कर दिया, जिससे दोषी अपराधियों को सुरक्षा प्रदान की गई। इससे भारतीयों के असंतोष में वृद्धि हुई। इतना ही नहीं, जनरल डायर को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ कहना, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहना, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहना, 20,000 पाउंड की थैली उसे भेंट करना आदि ऐसे कार्य थे जिनसे भारतीयों की भावना को गहरा आहत पहुंचा और उन्हें विश्वास हो गया कि अंग्रेजों से न्याय प्राप्त नहीं हो सकता था। सातवां, खिलाफत का प्रश्न। भारतीय मुसलमानों में इस बात पर रोष था कि अंग्रेजों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। अंग्रेजों में खिलाफत की सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे समाप्त कर दिया। अतः उन्होंने कांग्रेस का सहयोग करके अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय किया। असहयोग आंदोलन के परिणाम। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, इसमें कांग्रेस को वर्ग आंदोलन के स्थान पर जन आंदोलन बना दिया, जिसमें कृषकों, श्रमिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं तथा सभी वर्गों ने पहली बार भाग लिया। दूसरा, इससे भारतीयों में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ तथा ब्रिटिश शक्ति का भय जाता रहा। तीसरा, स्वदेशी आंदोलन विशेष रूप से चरखे खादी ने आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न की। चौथा, संवैधानिक उपायों की रूढ़िवादिता समाप्त हो गई और जनता संघर्ष के लिए तैयार हो गई। पांचवा, कांग्रेस विचारों के आदान प्रदान के मंच के स्थान पर एक क्रांतिकारी पार्टी बन गई। छठा, अब स्वतंत्रता प्राप्त करना जनता का उद्देश्य बन गया। सातवा, आंदोलन में शिक्षा, आर्थिक पक्ष, सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया था। आठवा, अब सरकार उत्सुक थी कि उसे उदारवादियों का सहयोग प्राप्त हो। प्रश्न क्रमांक 62, असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन स्थितगण की आलोचना। गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने का जब निर्णय किया, उस समय आंदोलन पूरी तेजी पर था और सरकार उसका कठोरता से दमन कर रही थी, लेकिन सरकार को लग रहा था कि स्थिति उसके हाथ से निकलती जा रही थी और वह आंदोलन को दबाने में असफल हो जाएगी। इस प्रकार की निराशाजनक रिपोर्ट वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने भारत मंत्री को भेजी। यह रिपोर्ट आंदोलन के स्थगित के 3 दिन पूर्व भेजी गई। इसमें वायसराय ने कहा,
किसी भी वक्त खतरनाक हालात किसी भी वक्त खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। भारत सरकार समझती है कि जहाँ पर अभी तक जैसे उपद्रव हुए हैं, निकट भविष्य में उससे कहीं अधिक भयंकर उपद्रव हो सकते हैं। सरकार इस बात को जरा भी छिपाना नहीं चाहती थी कि वह देश की परिस्थिति को देखकर बहुत अधिक चिंतित हैं। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि आंदोलन के प्रसार से सरकार घबरा गई थी, और अगर इस समय गांधी जी ने इसे स्थगित न किया होता और इसकी तेजी को बढ़ाया होता, तो संभव है कि स्वशासन मिलने की संभावना बन जाती। लेकिन गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को अधिक महत्व दिया। सत्य यह है कि इतने विशाल आंदोलन में चोरी चोरा जैसी घटनाएं होने स्वाभाविक था, और केवल एक घटना के कारण अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं मानना चाहिए था। नेताओं का असंतोष स्वाभाविक था कि नेताओं को इस आत्मसमिक स्थगन से निराशा हुई और उनमें आक्रोश उत्पन्न हुआ। मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल से ही गांधी जी को पत्र लिखे। उनका कहना था कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देना कहाँ तक उचित था। सी आर दास ने अपनी निराशा इन शब्दों में व्यक्त की थी, महात्मा गांधी किसी अभियान का आरंभ बड़े शानदार ढंग से करते हैं और उसे निपुणतापूर्वक आगे बढ़ाते हैं। उन्हें एक के बाद एक सफलता मिलती जाती है, यहाँ तक कि वह अपने अभियान के चरम शिखर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तब उनकी हिम्मत टूट जाती है और वे लड़खड़ाने लगते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन को स्थगित करना उचित ठहराया है। उनका कहना है कि आंदोलन केवल चोरी चोरा के कारण स्थगित नहीं किया गया, वरन वास्तविकता यह थी कि यद्यपि बिहार में हमारा आंदोलन बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता था और बड़ी प्रगति कर रहा था, किंतु आंदोलन अंदर से छिन्न भिन्न हो रहा था। यदि आंदोलन स्थगित नहीं किया जाता तो शासन के द्वारा खूनी पद्धति से आंदोलन का अंत कर दिया जाता और आंतिक का एक ऐसा राज्य स्थापित हो जाता जो जनता के उत्साह को समाप्त कर देता। संभव है कि इस व्यापक हिंसा और रक्तपात को रोकने के लिए गांधी जी ने स्थगन का कदम उठाया। मार्क्सवादी इतिहासकार का कहना है कि आलोचना की उग्रता से किसानों और मजदूरों की जुझारी शक्ति संगठित होकर उभारी थी। आंदोलन जमींदारों तथा पूंजीपतियों के विरोध का रूप धारण कर रहा था। गांधी जी जमींदारों तथा पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना चाहते थे, अतः उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। वह मार्क्सवादी इतिहासकार अपने तर्क बारदोली प्रस्ताव पर आधारित करते थे। अनेक इतिहासकारों ने इन तुर्कों का मिथ्या स्वरूप स्पष्ट कर दिया। विपिन चंद्रपाल का कहना है कि आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण यह था कि अगर बंबई या चोरी चोरा जैसी घटनाएं दूसरी स्थानों पर होती हैं, तो सरकार को कठोर दमन का बहाना मिल जाएगा और अहिंसक आंदोलन की समस्त रणनीति असफल हो जाएगी। यह पहला जन आंदोलन था जो था, और सरकार इसे कुचलने में सफल हो जाती तो
जनता में गहरी निराशा फैलती। आंदोलन में कुछ आधार दोष भी थे। प्रथम, गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वायदा किया था, यह आशावादिता उचित नहीं थी। द्वितीय, इतने विशाल स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन का पूर्ण रूप से अहिंसा करना असंभव था। तृतीय, खिलाफत आंदोलन को भी मध्ययुगीन धार्मिक भावनाओं पर आधारित था। राष्ट्रीय आंदोलन का भाव बनाना एक आधारभूत भूल थी। चतुर्थ, रजनी पामदत्त का मत था कि आंदोलन को स्थगन का कारण हिंसा का प्रश्न नहीं था, बल्कि उभरते हुए वर्ग संघर्ष का सवाल था। अगर किसान जमींदारों को लगान न देते तो कमरबंदी आंदोलन वर्ग संघर्ष का आंदोलन बन जाता। पंचम, मोपला आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष का वर्ग संघर्ष का आंदोलन बन जा सॉरी पंचम मोपला आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष का रूप धारण कर लिया और अन्य स्थानों पर यह फैल रहा था। इससे गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांत के लिए वास्तविक संकट उत्पन्न हो गया था। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 63, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? लिखिए। उत्तर, सत्याग्रह का अर्थ सत्य पर डटा रहना, इसलिए गांधी जी उसे सत्य बल भी कहा करते थे। सत्याग्रह का आधारभूत सिद्धांत है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाए वे नैतिक तथा प्रवृत्त होने चाहिए। गांधी जी ने इस सिद्धांत का खंडन किया किया कि यदि साध्य पवित्र है तो उसकी प्राप्ति के सभी साधन उचित हैं, और कहा साधनों और साथियों के बीच वही अलंघनीय संबंध है जो बीज और वृक्ष के बीच होता है। प्रश्न 64, असहयोग आंदोलन के कारण लिखिए। उत्तर, प्रश्न 61 का उत्तर देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब किया था? अ 1915 ईस्वी में, ब 1916 ईस्वी में, स 1917 ईस्वी में, या द 1918 ईस्वी में? इसका सही उत्तर है अ 1915 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? अ 1919 ईस्वी में, ब 1920 ईस्वी में, स 1921 ईस्वी में, या द 1922 ईस्वी में? इसका सही उत्तर है 1919 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, चोरी चोरा की घटना कब हुई? अ 5 फेब 1922 ईस्वी में, ब 5 फेब्रुअरी 1923 को, स 5 फेब्रुअरी 1924 को, द 5 फेब्रुअरी 1925 को? और का सही उत्तर है अ 5 फेब्रुअरी 1922 ईस्वी में। चौथा प्रश्न, असहयोग आंदोलन की निम्न में से क्या विशेषता थी? अ बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, ब स्वदेशी को अपनाया गया, स सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग किया गया, या द उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी।